खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम गणेश खेड़ा में आज शाम एक पागल गीदड़ के द्वारा करीब एक दर्जन छोटे छोटे बच्चों पर जानलेवा हमला किया गया। ग्रामीण और आसपास उपलब्ध अन्य लोगों की सूझबूझ से बच्चे की जनहानि नहीं हो पाई, लेकिन पागल गीदड़ के द्वारा कई बच्चों को गंभीर तरीके से घायल कर दिया गया, जिन्हें लेकर ग्रामीण जन व परिवारजन खनिया थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर शीघ्र ही सभी बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चों को खनिया थाना बीएमओ अरुण झसिया के द्वारा जिला चिकित्सालय शिवपुरी रेफर कर दिया गया है। खबर लिखे जाने तक और कोई भी मरीज खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र की ओर आ रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा इस घटना की सूचना वन विभाग खनिया थाना को दी गई, लेकिन वन विभाग खनिया थाना के द्वारा पागल गीदड़ पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात में पागल गीदड़ के द्वारा अन्य लोगों को भी घायल किया जा सकता है। क्या नाम है भाई आपका? पार्वती। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? जमोड़ी को लड़ाई गया ना खाली। कहाँ पे? खेत पे। आप कहाँ की रहने वाली है? गणेश कीड़े पे। और लोगों को काटा है? हाँ, बागानेश कीड़े में काटे। कितने लोगों को काटा है? भोड़ान के काटे, बागानेश कीड़े। कितने लोगों को काटा है? 11 हो गए भोड़ान के ना गणेश कीड़े। नाम है घनश्याम। क्या हुआ? लड़रिया ने काट गई इस बच्ची के लिए। कहाँ पर, कौन से गांव में? गणेश खेड़ा में। कितने लोगों को काटा है? 10-11 केस हो चुके हैं। 10-11 हो गए। आज ही काटा है कि इसके पहले? आज ही आज। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं करी, लेकिन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शिकायत वन विभाग में जा रहे हैं। वन विभाग में? अभी कहाँ आए हो? अभी अस्पताल में आए। अस्पताल में आया? इलाज हो गया? नहीं, अभी रेफर कर दिया, शिवपुरी जा रहे हैं। शिवपुरी रेफर कर दिया। क्या नाम है बेटा आपका? भगवत। क्या हुआ बेटा? हम तो जा रहे थे चार जने, सुबह वो एक बनो सुबह ने बान में अपने पाँव पकड़ लिया, सुबह मुँह से चंडो सुबह ने गुदी पकड़ ली, सुबह नो गज्जे खा ली थी। इसमें कौन सा जानवर था? लड़ गया। और कितने लोगों को काटा बेटा? दो को काटा। आपको कहाँ काटा, जरा दिखाओ, हाथ दिखाओ। ठीक,